सर बिजली का बिल। 236? हाँ ये हमारा घर का ही है या पड़ोस का बिल मिला कर दे रहे हो? आपका ही घर है सर। ये बिल में कुछ गलती है, हमेशा हमारा 200 से ज्यादा नहीं आता है। इस बार 36 ज्यादा आया, तू कुछ गलत रीडिंग लिया होगा, एक बार चेक कर लो। रीडिंग सही है सर, आप ही ज्यादा यूज किए होंगे, फिर भी 36 ही तो ज्यादा आया है, क्या हो जाएगा सर? ओहो 36 ही है ना, तो तुम भर दो फिर। आप यूज करने से मैं क्यों भरूंगा, आप पहले यूजेज कम करो तो बिल अपने आप ही कम आएगा। लक्ष्मी लक्ष्मी क्या है जी? इधर पंखा घूम रहा है, उधर टीवी चल रहा है और वहाँ लाइट चल रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। तुमको इस महीने का बिजली का बिल पता है कितना है? पिछले महीने से 36 ज्यादा आया है, अभी वो कौन भरेगा पता? हर महीने आप ही तो बिजली का बिल भरते हो। ये सब बातें नहीं, पहले जाकर पंखा और लाइट बंद कर। बहुत अच्छे, 24 घंटे मैं यहाँ रसोई में पड़ी रहती हूँ, वहाँ लाइट और फैन मैं क्यों ऑन करूँगी? अभी आपका लाडला बेटा बैठा था वहाँ, जाकर उससे पूछो। अबे गधे कहाँ मर गया? मामा मुझे जो पॉकेट मनी पापा से मिल रहा है काफी नहीं है। तेरे पापा देने वाला 10 रुपए को कोई पॉकेट मनी नहीं बोलता है, इसलिए हमको कैसे भी करके पैसा कमाना पड़ेगा। मामा मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है मामा? बगल वाली गली के लड़कों के साथ बैट मैच खेलते हैं, जीतेंगे तो पैसे मिलेंगे। हर बार यही सोच कर जाते हैं और डक आउट होकर आ जाते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करके जाते हैं मामा, इस बार जरूर जीतेंगे, ये साला कप नाम दे। हाँ तुम एक कोहली और मैं एक धोनी, जो सिंगल हैंडेड मैच जिता देंगे। अगर इस बार पैसे निकालते हुए पापा को पकड़ा गया तो मेरा सिर जमीन पर पटक पटक के मारेगा। क्या बे सिर और जमीन बोल रहा है? सिर और जमीन नहीं पापा जी, आसमान जमीन पक्षी और उसका पॉटी बोल रहा था। नीचे लाइट और पंखा ऑन करके ऊपर आ गया और यहाँ पक्षी पॉटी कर रहा है, कथा कहीं का, चल नीचे। हेलो हाँ जरूर आएंगे, चलो रखता हूँ। ठीक है क्या पापा जी फोन पर आई पढ़ रहे थे? कल हम फंक्शन पे जा रहे हैं। पापा जी इतनी जल्दी रिटायर हो रहे हो? रिटायर मत कर, बॉडी रिपेयर हो जाएगा। फंक्शन मेरा नहीं बेबम्मा का है। बेबम्मा? हाँ कल बेबम्मा का जन्मदिन है इसलिए फंक्शन कर रहे हैं। कितने साल की है बेबम्मा? 16 है? नहीं 160। 160 है? इतने साल जिंदा कैसे है? ये कैसी बातें कर रहा है? बड़ों को इज्जत देना नहीं आता क्या? वैसे कल फंक्शन कितने बजे है? कल सुबह जाएंगे और कल शाम तक वहीं रहेंगे। शाम तक? पापा जी मैं फंक्शन पे नहीं आऊँगा। क्यों? जंक्शन में क्रिकेट मैच है। क्रिकेट विकेट कभी भी खेल सकता है, लेकिन बेबम्मा का जन्मदिन साल में एक ही बार आता है, वैसे भी ये 116 वाला है। हम सब नहीं रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? चुपचाप तैयार हो। ये कुछ मैच्योर हुई है क्या, इतना बड़ा बैनर लगाए? अंदर जाने के बाद कुछ आलतू फालतू काम करेगा तो पैर तोड़ दूंगा। चुपचाप इस जगह पर बैठा रहे। बाप रे घर के बाहर ही वार्निंग बोर्ड लगाए, मतलब बहुत डेंजरस कैरेक्टर होगी। मम्मा आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ। ये 116 से 1116 होना करके दिल से दुआ मांगता हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं। कैसी है लक्ष्मी? हाँ मैं अच्छी हूँ जी। हे बेबम्मा हैप्पी बर्थडे, सॉरी आपको इंग्लिश नहीं आती है ना? जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आता? आई टॉक इंग्लिश बेटर देन ब्रिटिश। वैसे तो दिखने में बिल्कुल अपने परदादा जैसा दिखता है। परदादा? उम्र सारी। पापा जी थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा क्या? हाँ हो जाएगा, ये हमारे जीन्स में है। वैसे अनुषा कैसी है? उसका क्या, बहुत अच्छी है। बेबम्मा तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया है? तुम्हारे सपोर्ट के लिए लकड़ी लेकर आया हूँ। मैं लकड़ी पकड़ के चलने जितना बुढ़ी थोड़े ही हूँ। अब्बा अब्बा मत मारो। तू हंसी रोक रहा ना बे? नहीं पापा जी मैं तो वैसे भी हंसी रहा हूँ। तू घर जा तेरा काम बताता हूँ। सुनो मैं अंदर जाकर सबसे मिलकर आती हूँ, तब तक तुम बेबम्मा से बातें करो। मैं क्या बात करूँगा माँ, चलो मैं भी आता हूँ। थोड़ी देर रुको पोते। हाँ बेबम्मा के साथ बैठकर गप्पे लगाओ। हाँ बर्थडे गर्ल क्या हाल चाल है, दवाई टाइम पे ले रही हो कि नहीं? दवाई? जब मन अच्छा नहीं होता एक क्वार्टर मार लेती हूँ। इतने खुले में दारू पीने के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा? कोई बोले तो मेरा डंडा है ना। तो ये डंडा बेल्ट यूज करना पहले से ही फैमिली का डीएनए में है, जेनेटिक फॉल्ट। आप होते तुम्हारी जांग पर एक मसाला वड़ा जितना तिल रहता था, वो अभी भी वैसा ही है क्या? मेरे जांग पे रहने वाले तिल के बारे में तुमको कैसे पता? चुप रहे पोते, बचपन में मैं ही तुझे नहलाती थी, तेरे तिल के बारे में मुझे नहीं पता तो किसको पता होगा। तू कोई कपड़े नहीं पहनता था, बस एक झुनझुना लगा कर घूमता था। प्लीज मेरी बचपन की खुदाई रोक दो, तुमको यहाँ नहीं म्यूजियम में रहना।
चाहिए। और आज ये कैसे कपड़े पहने हैं, थोड़े ढंग के पहन लेता। मैं क्या करूं, मेरा बाप तो कुछ खरीदता नहीं। सोचता हूं कि तुम्हारे जैसे लोग कुछ पैसा देंगे तो कुछ कपड़े खरीद सकूं, लेकिन वो भी नहीं होता। मैं देती हूं ना, ये ले एक जोड़ा अच्छे कपड़े खरीद ले, और कुछ चिल्लर बचेगा उसे कचरा मत कर देना, संभाल कर रखना। ये चिल्लर में फटा हुआ चड्डी भी नहीं आएगा। ऊपर से इसे एक जोड़ा कपड़े खरीदूं और चिल्लर बचेगा तो संभाल के रखूं। हमारे घर का नाम कंजूस तुमको ही देख के रखे होंगे। और थोड़ी देर तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। तुमको नमस्कार। अरे बेटा कैसे हो? है? ये मेरे रिश्ते में क्या लगेंगे, मुझे बेटा कर कर कह रहे हैं तो फूफा ही होंगे। अच्छा हो फूफा। फूफा क्या रे, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। वैसे आपको देखकर बहुत साल हो गया ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था चाचा। क्लैरिटी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। वैसे कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? हाँ चाचा, मैं तो व्हाट्सएप पर मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। क्लैरिटी से बोला ना। अच्छा बहुत होशियार है। हाँ चल, वहाँ दावत शुरू हो गया, खाना खा ले। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ मामा बोलो। कहाँ गए सब लोग, घर पर ताला लगा हुआ है। हम बेबम्मा की बर्थडे पार्टी पर आए हैं। हाँ बेबम्मा, लड़की अच्छी दिखती है क्या? हाँ पटाखा है पटाखा, लेकिन बहुत पुरानी पटाखा है। वो क्या है मामा? 116 years still not out। क्या मामा, तुम्हारा बेबम्मा डायनासोर्स के साथ पैदा हुई क्या? ऑलमोस्ट वैसा ही है। लोग बोलते हैं ना धरती से पहले पैदा हुआ करके, आज तक बस सुना ही रहा था, लेकिन आज देख भी लिया। वैसे इतना साल जिंदा कैसे है, क्या खाती है खाने में? अब तक मेरा दिमाग खाई, अब खाना खाएगी। वो सब ठीक है, तुम घर वापस कब आओगे मामा? ये मरने के छी पार्टी खत्म होने के बाद। ओके मामा, एंजॉय विद बेबम्मा। इसको मजाक ज्यादा हो गया है। हाय, मैंने तुमको कहीं देखा है। मुझे वैसे मुझे 10th में स्टेट फर्स्ट आया था और बहुत बड़ा बैनर लगा था, उसी में देखा होगा। नहीं तो मैं बहुत फेमस हूँ ना, मुझे फेसबुक पर या यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर देखी होगी। वहाँ पर भी तुमको मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर मैं कभी तुम्हारे ख्वाब में आया होगा। नहीं, तुम हंसने से शशि जैसे दिखते हो। हाँ वो कौन है? चांद या चंद्रमा बोलने से रूटीन रहेगा ना, इसलिए शशि बोला। ए तुम ऐसा हंसो मत, फिर मैं पूरे नहीं उठा पाऊंगा। क्यों नहीं उठा पाओगे? हीरे। हा? तुम हंसने से हीरे ही तो नीचे गिरेंगे। चिट्टी, भैया के साथ क्या बातचीत हो रही है? भैया? हाँ वो तुम्हारी चाची की बेटी है। हाँ बचपन में मैंने तुमको राखी बांधी थी, तब देखा था भैया। इट्स ओके बहना, गॉड ब्लेस यू। अरे ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, ये फंक्शन में हमारे रिश्तेदारों की कोई लड़कियाँ नहीं है क्या? है ना, फंक्शन में जितनी भी लड़कियाँ हैं सब तुम्हारी रिश्तेदार हैं। हाँ सच में? हाँ सच्ची, सब तुम्हारी बहनें हैं। अब से ऐसा फंक्शन अवॉइड करना पड़ेगा। पार्टी कुछ फीकी लग रही है पोते, सब में जोश भरने के लिए हमको डांस करना पड़ेगा। हाँ? सबको बुलाओ। सब लोग अंदर आ जाओ, हमारा बेबम्मा डांस करना चाहती है। दादी माइकल जैक्सन की फैन है शायद, डांस से आतंक मचा रही है। तू भी आ जा पोते। लड़की से करने की उम्र में बुड्ढी से डांस करना पड़ रहा है। क्या बे किसलिए शर्मा रहा है, बेबम्मा बुला रही है ना। रेडबल कुछ पीकर आई है क्या, ऐसे झूम रही है। अम्मा और कितनी देर करोगे, थोड़ा रेस्ट लो वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। इस जोश से तो लग रहा है बेबम्मा एक और सेंचुरी मारेगी। सही बोले जीजू, हमारा बेबम्मा सबसे जोशीला। यहाँ हर कोई अपनी चीजों में बिजी है, मेरा हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ बोर हो रहा हूँ। अरे बच्चे क्या कर रहे हो? अंताक्षरी खेल रहे हैं भैया। अभी भी अंताक्षरी क्या है, कौन से जमाने में जी रहे हो? चलो कोहली जैसा क्रिकेट खेलते हैं। हाँ रोज बोलता हूँ, सुनो मेरे पीछे जो डब्बा है ना वही विकेट है। चाचा के मुंह पे लगने से 4, फूफा के गंजे सर पे लगने से 6। तो दादी को लगने से? और क्या, आउट। और एक लास्ट रूल, बॉल तेजी से नहीं डालोगे, एम करके प्लैंक पर ही डालोगे। हाँ कम ऑन। बॉल डब्बे को लगा, आउट आउट। पहला गेंद भगवान के लिए, गेम अभी से शुरू होगा। है? ये क्या है भैया, ऐसा ही होता है, तू चुपचाप गेंद फेंक। मैं तुम्हारा गेम बजाता हूँ। सिक्सा। नहीं भैया आउट। किसी गधे ने मुझे गेंद से मार दिया। मैं सोचा कि एक और सेंचुरी मारोगे बेबम्मो बेबम्मा, कभी नहीं सोचा कि 116 पर आउट हो जाओगे बेबम्मो बेबम्मा। अरे कौन है वो जो घर के अंदर क्रिकेट खेला था? देखिए ये भैया ही खेला था। पापा जी मेरी बात एक बार सुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पागल परिवार को। पापा जी यहाँ पर भी आप ही डोमिनेट करोगे क्या, एटलीस्ट सब्सक्राइब नोट तो मुझे बोलने दो। पढ़ाई लिखाई तो होता नहीं है इससे, सब्सक्राइब नोट बोलने आ गया है। ठीक है बवाल।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पागल परिवार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वैसे ही नीचे घंटी को बजाना मत भूलना। अरे पापा जी, मैं घंटी को बजाने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं।